महर्षि कश्यप ऋषि के जन्मोत्सव का अवसर पर कौशोधन सेवा समिति के द्वारा मनमोहक झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह शोभा यात्रा डोमवा से निकलकर आजाद चौक रुस्तमपुर होते हुए वापस एक निजी लॉन में समाप्त हुआ। इस शोभा यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के रिटायर प्रवक्ता श्री भगवान गुप्ता ने बताया कि यह शोभा यात्रा महर्षि कश्यप ऋषि के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला जाता है। महर्षि कश्यप इस ब्रह्मांड के रचनाकार थे तथा ब्रह्मा जी के प्रतिभाशाली पुत्र थे। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि पर भगवान महर्षि कश्यप जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज ही के दिन उनका जन्म उत्सव कौशोधन सेवा समिति द्वारा मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि हमारे समाज में जो पिछड़े वंचित हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा देश और समाज हमेशा आगे बढ़ता रहे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, देवेंद्र कौशोधन, भोलेनाथ कौशोधन, प्रमोद कौशोधन, पवन कौशोधन, जनार्दन कौशोधन, पिंकी देवी, सुनीता देवी, डिंपल कौशोधन, मेनका कौशोधन सहित कौशोधन परिवार के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कौशोधन सेवा समिति के अध्यक्ष रामदयाल कौशोधन एवं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के रिटायर प्रवक्ता श्री भगवान गुप्ता ने कहा, अवसर पर यह भव्य शोभा यात्रा, ये भव्य शोभा यात्रा कौशोधन सेवा समिति गोरखपुर के तरफ से निकाला जा रहा है। कृपया हम लोग गति को थोड़ा प्रयास करें, सरकार स्थान आ गया है। आज उस सड़क के लोग नगर निगम के महापौर आदरणीय श्री सी सहयोगी नगर निगम में श्री मोहन वर्मा जी, उप सभापति नगर निगम गोरखपुर, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा नेतृत्व चुना है। शोभा यात्रा ऋषि पंचमी के दिन महर्षि कश्यप ऋषि जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में विशाल झांकी शोभा यात्रा निकाला गया है। यह झांकी शोभा यात्रा बगहा बाबा मंदिर से चल करके रुस्तम आज़ाद चौक होते हुए, नहर रोड होते हुए, बाईपास, उसके बाद रुस्तमपुर ढाला पर वापसी करके दुर्गा चौक होते हुए अरिहंत लान में जाएगी, जहाँ सब व्यवस्था है। कितनी भीड़ होगी? 500-600 लोग का भीड़ होगा। श्री भगवान गुप्ता हमारा नाम है, हम MP कॉलेज में रिटायर्ड प्रवक्ता हूँ। महर्षि कश्यप जी इस ब्रह्मांड के जो है रचनाकार हैं, यह ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के बड़े ही प्रतिभाशाली पुत्र थे। इनकी दो स्त्रियाँ थीं, एक दिति एक अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से राक्षसों मनुष्यों का और देवताओं का जन्म हुआ। आज भाद्र पक्ष का शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि है, इसी तिथि पर भगवान कश्यप ऋषि का जन्मदिन है, इसलिए हम लोग इसी तिथि को उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारे समाज में जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनको हम आगे बढ़ावें, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में, मेल मिलाप के क्षेत्र में, भाईचारा के क्षेत्र में, जिससे हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़े। यही उद्देश्य लेकर के हमारे कौशोधन सेवा समिति के अध्यक्ष श्री रामदयाल जी, उपाध्यक्ष सतीश्वर कौशोधन जी और हम सभी लोग, मैं स्वयं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का प्रवक्ता अर्थशास्त्र रिटायर्ड हूँ, मैं 9 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में लगा रहा हूँ, ताकि देश को सशक्त बनाया जा सके। जो सपना हमारे देश के
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखे हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देखे हैं, उसमें हम भी कुछ याहूद कर सकें, हम भी कुछ अपना योगदान कर सकें, इसलिए हम कसौधन समाज को लेकर के आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे हम चाहेंगे कि निरंतर हर साल इस तरह का कार्यक्रम होता रहे।